पहले नंबर पर है स्कीपर्स कैनियन रोड, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की स्कीपर्स कैनियन रोड दुनिया के सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है। कहा जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस के बिना इस सड़क पर ड्राइव न करें तो बेहतर है। दरअसल इस सड़क पर हर वो खतरा मौजूद है जो जानलेवा साबित हो सकती है। कहीं पर अंधा मोड़ है तो कहीं पर खाई, कहीं सड़क टूटी हुई है तो कहीं एकदम सकरी। ऐसे में मामूली एक्सीडेंट में भी कोई शख्स बुरी तरह से घायल हो सकता है और इलाज में काफी खर्च उठाने पड़ सकते हैं। इस रोड की लंबाई महज 16.5 किलोमीटर है, लेकिन हर कदम पर खतरा बना रहता है। इतना ही नहीं, इस रोड पर ऐसी भी जगहें हैं जहां दो गाड़ियां आर पार नहीं जा सकती। ऐसे में उन्हें अपनी गाड़ी को पीछे करना पड़ता है, हालांकि पीछे करने के दौरान भी एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। दूसरे नंबर पर है लक्सर अल हरगड़ा रोड, इजिप्ट। ये सड़क ऐतिहासिक शहर लक्सर और लाल सागर के बीच बनी है। हरगड़ा क्षेत्र में कोई भी कार लेकर इस सड़क से गुजरने की सलाह नहीं देता है। दरअसल इस रोड पर कई क्रिमिनल्स और आतंकवादियों की नजर रहती है, जो रातों में गुजरने वाली गाड़ियों पर अटैक कर देते हैं। वहीं सड़क भी काफी खराब है, जिसकी वजह से रातों में एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। ऐसे में अगर आप इस सड़क पर रात में ड्राइव करते हैं तो हाई एंड नाइट विजन गॉगल की जरूरत होगी। तीसरे नंबर पर है काराकोरम हाईवे, चाइना पाकिस्तान। पहाड़ों को काट कर बनाया गया ये हाईवे दुनिया का सबसे ऊंचा इंटरनेशनल हाईवे है, जो चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। पहाड़ों पर बना ये रास्ता शुरुआत से ही खतरनाक है। इस पर भयानक धुंध और तूफान का सामना होता है, वहीं कई बार बाढ़ जैसे हालात भी हो जाते हैं। दरअसल पहाड़ों का पानी नीचे गिरते हुए सड़कों पर जमा हो जाती है। वहीं इस हाईवे के इर्द गिर्द आतंकवादियों का भी गढ़ है, जो इसे और खतरनाक बनाता है। चौथे नंबर पर है टियानमेन माउंटेन रोड, चाइना। महज 1100 मीटर की दूरी तय करने के लिए टियानमेन माउंटेन पर 11 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनाया गया है। इस सड़क पर हेयर पिन की तरह 99 मोड़ है। हालांकि ये सड़क सकरी नहीं है, इसके बावजूद ये काफी खतरनाक है। दरअसल एक ओर खाई दिखाई देती है तो दूसरी ओर मोड़ की वजह से एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। पांचवें नंबर पर है जोजिला पास, इंडिया। भारत के लद्दाख और कश्मीर के बनी जोजिला पास को भी दुनिया की खतरनाक सड़कों में शुमार किया जाता है। 11,575 फीट की ऊंचाई पर बनी इस सड़क की लंबाई 9 किलोमीटर है। ज्यादातर इस इलाके में तेज हवाएं और बर्फबारी होती हैं, इस वजह से ये सड़क खतरनाक बन जाती है। वहीं बारिश के कारण कीचड़ में भी फोर व्हीलर गाड़ियां फंस जाती हैं, जिसमें जाम लग जाता है। वहीं एक गलती से सीधे खाई में भी जाने का डर बना रहता है। छठवें नंबर पर है टोरोको जॉर्ज रोड, ताइवान। टोरोको जॉर्ज रोड को हाईवे नंबर 8 के नाम से भी जाना जाता है, जो ताइवान की सबसे खतरनाक रोड है। इस सड़क से गुजरने से पहले हर कोई एक बार सोचता है, क्योंकि पहाड़ी को काट कर बनाई गई ये सड़क काफी संकरी है। वहीं दूसरी ओर खाई है। ऐसे में अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो एक दूसरे को क्रॉस करना मुश्किल है। यहाँ खूब बारिश होती है और भूकंप भी आते हैं, जिस कारण से मिट्टी कटाव और भूखलन भी होता है। इस सड़क पर कई अंधे मोड़ हैं, ऐसे में आए दिन कई एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। सातवें नंबर पर है पार्टियो पाउलो पेरिडिकाकी रोड, ग्रीस। ग्रीस की पार्टियो पाउलो पेरिडिकाकी रोड को दुनिया के खतरनाक सड़कों में शुमार किया जाता है। 23.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क में बने गड्ढे इसे और खतरनाक बनाते हैं। वहीं सकरा होने के कारण यहाँ वाहन सही तरीके से मुड़ भी नहीं पाते हैं। हालांकि इस सड़क के किनारे प्राकृतिक नजारे शानदार हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती जान लेने के लिए काफी है। मोड़ पर कोई साइन बोर्ड भी नहीं है, जिससे स्ट्रेट जाने वाली गाड़ी सीधे पहाड़ी से नीचे गिर सकती है। आठवें नंबर पर है हाल सेमा हाईवे, फिलीपींस। समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर बनी ये सड़क सिर्फ गर्मी के मौसम में ही सुरक्षित रहती है। इसके बाद इस सड़क पर सफर करना बेहद ही खतरनाक होता है। मार्च और अप्रैल को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 10 महीने यहाँ जमकर बारिश होती है और धुंध भी लगा रहता है। ऐसे में जान की बाजी लगाकर ही कोई टूरिस्ट इस सड़क से गुजरता है। वहीं कई जगहों पर यह सड़क काफी सकरी है, जिस कारण से बस ड्राइवर भी कई बार जाम में बचने के लिए तेजी से ड्राइव करते हैं। इस चक्कर में आए दिन कई बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। नवे नंबर पर है ईयरे हाईवे, ऑस्ट्रेलिया। 1675 किलोमीटर लंबी इस सड़क का 145.6 किलोमीटर हिस्सा बिल्कुल सीधा है, जिस कारण से ये सड़क ऑस्ट्रेलिया की सबसे सीधी सड़क भी है। ये हाईवे सीधा, सपाट और शानदार है, लेकिन उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। दरअसल ये सड़क ऑस्ट्रेलिया की उजाड़ और दूर दराज वाले इलाकों से गुजरती है। ऐसे में इन सड़कों पर अक्सर कंगारू, हाथी और दूसरे जंगली जानवर आ जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट हो जाते हैं। इस वजह से इस रोड को स्लैटर वैली के नाम से भी जाना जाता है। दसवें नंबर पर है पैसेज डू गोइस, फ्रांस। फ्रांस की ये सड़क
मेनलैंड को नॉर्मोटियर आइलैंड से जोड़ती है जो फ्रांस के अटलांटिक कोस्ट पर स्थित है। सड़क की लंबाई 4.5 किलोमीटर है। पहली नजर में देखने पर लगेगा कि ये सड़क बेहद शानदार है, लेकिन चंद घंटों में आपका नजरिया बदल जाएगा। दरअसल समुद्र में आने वाले ज्वार की वजह से ये सड़क पूरी तरह से गायब हो जाता है। दिन में 2 बार ऐसा होता है, इस दौरान कोई कार फंस जाती है तो उसे ज्वार अपने साथ बहा ले जाता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आप